खाक में मिला देगा, जिंदगी नरक सा बना देगा, मुझसे पूनम तू दूर ही रहना, लव जिहादी में वो फंसा देगा, लव जिहादी में वो फंसा देगा, लव जिहादी में वो फंसा देगा। माहौल ही कुछ ऐसा है, सही बात, लव जिहादी में वो फंसा देगा। और फिर से हाँ, एक बार में नहीं पूरा, एक बार में मजा नहीं आया, बहरहाल हाजिर कर लेता हूँ, पूरा क्लियर, आबरू खाक में मिला देगा, आबरू खाक में मिला देगा, जिंदगी नरक सा बना देगा, मुझसे पूनम तू दूर ही रहना, लव जिहादी में वो फंसा देगा, लव जिहादी में वो फंसा देगा। और चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूं, हाँ, के आओ, तो मिसकाल की बात है, मिसकाल एक बार इनके लिए भी ताली बजाई थी, हाँ मिसकाल है। बहरहाल कहा गया है कि वो एक कथा जो कई बार पढ़ चुके हैं यहाँ, उसको जरूर पढ़ देना, है ना। मैं हाजिर कर रहा हूं अमित शाह के, हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। वाह वाह वाह, हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए। आप लोगों को मालूम है कि अमित शाह किसी प्रांत में 15 दिन 20 दिन पहले चले जाएं और चुनाव हो जाए, रिजल्ट क्या आता है आपको, आप सभी को मालूम है। हाजिर कर रहा हूं भैया, कि हुकूमत मशवरे पर घर मेरे तैयार हो जाए, तो यह मुमकिन नहीं कश्मीर में फिर रार हो जाए। चले जाएं अमित शाह पाक में कुछ रोज की खातिर, यकीनन पाक में भी भाजपा सरकार हो जाए, न रहे बांस न बजे। जोरदार ताली बजाइए, चार पंक्ति और हाजिर कर रहा हूं। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब आए थे धर्मराज जी, पुलिस पर बहुत कुछ सुना रहे थे, चार पंक्ति मैं भी हाजिर करना चाहता हूं। हालांकि यहाँ की पुलिस ठीक ठाक है, मैं जो कुछ भी कहूंगा बिहार के पुलिस के बारे में कहूंगा भाई साहब, इसलिए मुझे यहाँ रहना है। हाजिर कर रहा हूं, सुने के निशाना, सिर्फ हंसने हंसाने के लिए थोड़ा सा आनंद लीजिए, और अच्छा लगेगा तो ताली बजाइएगा, वरना इसके बाद हम वहां जाकर बैठ जाएंगे। के निशाना ठीक था, लेकिन निशाना छोड़कर भागे, समझा भाई इधर, के निशाना ठीक था लेकिन निशाना छोड़कर भागे, पड़ी जब डांट अफसर की तो खाना छोड़कर भागे, निशाना ठीक था लेकिन निशाना छोड़कर भागे, पड़ी जब डांट अफसर की तो खाना छोड़कर भागे, पुलिस वाले हमारे दौर के इतने बहादुर हैं, घुसा जब माफिया थाने में थाना छोड़कर भागे, घुसा जब माफिया थाने में। ये सब बिहार में हो रहा भाई साहब, यहाँ ठीक ठाक है, मैं सच बोल रहा हूँ भाई साहब, आपकी कसम खा के बता रहा हूँ भाई साहब, शंकर भाई बिहार से आए पूछ लीजिए, सच है भाई साहब। चार पंक्ति और हाजिर कर रहा हूं धर्मराज जी, हाँ। के पकड़ कर बेगुनाहों की ये हड्डी तोड़ देते हैं, अच्छा सच होगा तो ताली बजाइएगा, पकड़ कर बेगुनाहों की ये हड्डी तोड़ देते हैं, गलत को भी सही, सही को भी गलत की राह बढ़िए मोड़ देते हैं, पकड़ कर बेगुनाहों की हड्डी तोड़ देते हैं, सही को भी गलत की राह पर ये मोड़ देते हैं, इन्हें इंसानियत से कम अधिक पैसे से यारी है, सही कातिल को भी पैसे के बल पर छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह, ऐसा हो रहा है बिहार में भाई साहब, यहाँ ठीक ठाक है, हाँ यहाँ ठीक ठाक है ना, तो एक बार जोरदार ताली बजाए, सच कह रहा हूं तो, कि रबट लिखने की कीमत दो, सब बिहार में होता है भाई साहब, बिहार में बनारस में तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक ना होता भाई साहब आप अमन चैन से यहाँ बैठे ना होते। हाजिर कर रहा हूँ कि रबट लिखने की कीमत दो, जब जब ये बिहार में गए थे तो वहां कह रहे थे कि ये उत्तर प्रदेश में होता है, रबट लिखने की कीमत दो, सुलह करने की कीमत दो,
रपट लिखने की कीमत दो, सुलह करने की कीमत दो, ये फर्जी का फंसा डाले मियां बचने की कीमत दो, ये फर्जी का फंसा डाले मियां बचने की कीमत दो। बहरहाल ये हंसने हंसाने के लिए थोड़ा सा मैं दो चार मुक्तक और पढ़ के, नहीं पढ़ इसलिए कई लोग हैं यहाँ, नहीं नहीं पढ़ दीजिए के पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए यार, बूढ़े जरूर है यार। हाँ, नए से जान लो चादर, पुरानी कम नहीं होती। वाह, क्या भाई साहब गलत नहीं कह रहे हैं? हाँ हाँ, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जब वो कह रही थी तो आप भी वहां से इश्क इश्क कर रहे थे। हाँ, मैंने जिससे आज तक मुलाकात नहीं हुई उसे नए से जान लो चादर, पुरानी कम नहीं होती। मियां उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। नए से जान लो चादर, पुरानी कम नहीं होती। मियां उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती। बुढ़ापे को हकारत की नजर से देखने वालों, ज़ईफ़ी में भी एहसासे जवानी कम नहीं होती। वाह वाह वाह, एहसासे जवानी कम नहीं होती। और चचा जान सुनिएगा, इसलिए आप इसकी इश्क कर रहे थे, हाजिर कर रहा हूं दमदार बना। हाँ, कि आंख खुली वो पीने पिलाने पर भी इश्क कर रहे थे। बात समझ रहे हैं ना? सही बात। आंख खुली पहुंचे मैखाने अबू जान, आंख खुली पहुंचे मैखाने अबू जान, आंख खुली पहुंचे मैखाने अबू जान, निकले ने का माल बनाने अबू जान। आंख खुली पहुंचे मैखाने अबू जान, निकले ने का माल बनाने अबू जान। और ठर्रे की गर्मी ने जब बेचैन किया, ठर्रे की गर्मी ने जब बेचैन किया, नाली में ही लगे नहाने अबू जान। वाह, नहीं ऐसे नहीं, अगर अच्छा लग रहा हो तो जोरदार ताली बजाता हूँ। वाह 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 वाह, ठर्रे की गर्मी ने जब बेचैन किया, नाली में ही लगे नहाने अबू जान। और रिंदों की जब भीड़ जुटी मैखाने में, रिंदों की जब भीड़ जुटी मैखाने में, राग नशेड़ी लगे सुनाने अबू जान। राग नशेड़ी लगे सुनाने अबू जान। और कितने तो खयाम सरीखे चेले हैं, कितने तो खयाम सरीखे चेले हैं, इतने तो हैं जाने माने अबू जान। वाह, इतने तो हैं जाने माने अबू जान। और खूब हुई थी खातिरदारी ऐ लोगो, खूब हुई थी खातिरदारी ऐ लोगो, पकड़ के जिस दिन गए थे थाने अबू जान। पकड़ के जिस दिन गए थे थाने अबू जान। और घर का खर्चा मांग लिया क्या अम्मी ने, घर का खर्चा मांग लिया क्या अम्मी ने, अपनी शराफत लगे दिखाने अबू जान, अपनी शराफत लगे दिखाने। और कितनी तारीफ सुनाए यार सलीम, और कितनी तारीफ सुनाए यार सलीम, हमें भी एक दिन लगे पिलाने अबू जान, हमें भी एक दिन लगे। और जाते जाते दो तीन शेर और पढ़ के आपसे विदा, कई लोग हैं यहाँ पे हाजिर करना चाहती हूँ, सुने यार सलीम। के जुदा शाने से शाना हो रहा है, जुदा शेर सुने, दो तीन शेर सुन ले बस, जुदा दो तीन शेर सुन ले, हंसने हंसाने के लिए तो बहुत कुछ है। कि जुदा शाने से शाना हो रहा है, यही घर घर फसाना हो रहा है, हर घर में भाई साहब शाना कंधा। जुदा शाने से शाना हो रहा है, यही घर घर फसाना हो रहा है, कटोरा थामना होगा मुझे भी, मेरा बेटा सयाना हो रहा है। कटोरा थामना होगा मुझे भी, मेरा बेटा सयाना हो रहा है। जिए तो झिड़कियों से पेट भरकर,
हर घर में आजकल है भाई साहब, बड़े नसीबवर लोग हैं जिनका औलाद बहुत, सुने इसको, कि जिए तो झिड़कियों से पेट भरकर बैठ के खा रहे हैं हराम का लील, समझ रहे हैं ना, जिए तो झिड़कियों से पेट भरकर, मरे तो रोना गाना हो रहा है, मरे तो रोना गाना हो रहा है। शराफत ढूंढने निकले हो प्यारे, शराफत ढूंढने निकले हो प्यारे, इसे गुजरे जमाना हो रहा है। शराफत ढूंढने निकले हो प्यारे, इसे गुजरे जमाना हो रहा है। और आखिर चार पंक्ति पढ़ के विदा लेना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने सुनाया देश की बात, एकता की बात, चार पंक्ति हाजिर करके जाना चाहता हूं। खुले एलानिया कहा जाता है भाई साहब कि इस्लामिक आतंकवाद, मेरा दावा है कि इस्लामिक होगा तो आतंकवादी हो नहीं सकता, इसलिए इस्लाम में लिखा हुआ है अल हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। जब आधा ईमान वतन के लिए दिया गया है और आधे में रोजा नमाज हज जकात है, ये मर्तबा दिया गया है, मेरा दावा है कि वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता अगर ईमान वाला है तो। हाजिर करना चाहता हूं कि दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के साथ रहे। दिमाग ठीक है, आप सनातन में हैं, आप इस्लाम में हैं, वो जैन है, वो सिख है, दिमाग हो कहीं पर दिल वतन के पर साथ, दिल वतन के साथ रहे, हर एक सांस इसी अंजुमन के साथ रहे, मेरे लिए यही जन्नत से कम नहीं होगा। मरू मैं जब भी तिरंगा कफन के साथ रहे, मरू मैं जब